एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? अपकमिंग प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया कि गाने बहुत सारे गा दिए लेकिन पता नहीं रिलीज कौन कौन से होंगे, पर हैं अभी लाइंड अप है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, जब तक साइन नहीं करूँगा तब तक नहीं बता पाऊँगा। कुछ म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ जिनका मुझे श्योरिटी है कि जो रिलीज़ होंगे, तो उन म्यूज़िक वीडियोस में से एक म्यूज़िक वीडियो है जिसका नाम है तेरी मंजिलें हों। इसको जा करके हमने ट्रिनिडैड में शूट करा है, मैराकेश बीच पर, और वहाँ की पूरी जो वहाँ की जो लोकल ब्यूटी है, जो वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, उसको हमने कैप्चर करा है इसमें। ये एक डांस ट्रैक होगा लेकिन एक पोएटिक डांस ट्रैक होगा, क्योंकि इसमें जो राइटिंग है वो काफ़ी पोएटिक करी गई है। मुदस्सर अजीज जी ने इस गाने को लिखा है और म्यूज़िक रहेगा रॉकी शिफ का। और आप फीचर भी करेंगे इस गाने में या फिर? यस, म्यूज़िक वीडियो है, आप मुझे बीच पर देखेंगे नचाते हुए लोगों को। सो हाँ, थोड़ा बहुत ये बता सकता हूँ इसके बारे में। तो आगे जाके आप एक्ट्रेस भी बनोगे? आप चाहते हैं मैं एक्टर बनूँ? आप ही बनाओगे एक्टर मुझे? एक्टिंग का बिल्कुल, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता। मैंने 27 साल अपनी ज़िंदगी के इस ड्रीम को चेस करते हुए आगे बढ़ाऊँ, और मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि वक्त लगता है हर चीज़ में। जब इतनी शिद्दत से संगीत करा है तभी आज जाकर के आप लोग से इस तरह से बात कर पा रहा हूँ, इतनी बड़ी पिक्चरों में गाने गा पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एकदम से एक्टिंग में चले जाऊँगा तो मैं सक्सेस ले पाऊँगा उसमें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज़ सुबह उठ करके मेहनत करते हैं एक्टिंग के लिए, और जिस तरह मैं मेहनत करता हूँ संगीत के लिए, तो संगीत के साथ आगे बढ़ेंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे, बट म्यूज़िक वीडियोज़ में एक्टिंग ज़रूर करेंगे। आज योगा दिवस है तो कुछ कहना चाहिए, और आप फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं? आज योगा दिवस है और योग हिंदुस्तान ही में नहीं बट वर्ल्ड में बहुत बड़ा हो गया योग आज की डेट में, और बहुत बड़े बड़े योगा टीचर्स योगा को प्रमोट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि योग वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट वे ऑफ वर्कआउट्स है। इसमें स्ट्रेचिंग्स इन्वॉल्व होती है, और मैंने भी योग करा है। सूर्य नमस्कार मेरा सबसे फेवरेट आसन है, और आज भी मतलब हम लोग सुबह जब मैं सुबह उठता हूँ तो रियाज व्याज करने के बाद सूर्य नमस्कार 5 से 5 से 11 बार टाइप करता हूँ। तो हाँ, आई थिंक वो भी फिटनेस के लिए है, अच्छी चीज़ है योग डे। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसे कि आपने कहा 27 साल, तो आर यू डेटिंग एनीवन? शादी कर चुका हूँ मैं, शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी खड़ी है पीछे हैं आपके साथ, इनसे पूछ लीजिए, अगर ये अलाउ करें मुझे तो मैं फिर किसी और से मुलाकात करूँगा। नो, आई डोंट हैव टाइम टू, यहाँ पर बिस्तर में लेटने से पहले नींद आ जाती है और उठने से पहले फ़ोन आ जाते हैं बहुत सारे काम के, तो मौका ही नहीं मिलता, मुलाकात ही नहीं हो पाती किसी से। पर जिस दिन कभी मुलाकात होगी तो आपको फ़ोन करके ज़रूर बताऊँगा। कंपोज करता हूँ, और इनफैक्ट कंपोजिंग, एक सिंगर, हर सिंगर मेरे ख्याल एक कंपोज़र होता है, मेरा मानना है, और हर सिंगर को कंपोजिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी और का गीत गा रहे हो तो आप उसकी नज़र से गा रहे हो, लेकिन जब आप अपना गीत गा रहे हो तो अपनी नज़र से गा रहे हो। तो कंपोजिंग ने मुझे बहुत मदद करी इंडिविजुअलिटी फॉर्म करने की, अपनी ओरिजिनल आवाज़, अपनी ओरिजिनैलिटी को साथ रखने की बहुत हेल्प करी इसने। सो इसलिए मैं कंपोज करता हूँ, और जल्दी कुछ म्यूज़िक वीडियोस के, कुछ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के रूप में आप मेरे कॉम्पोजिशन सुनेंगे। एक रिसेंटली अभी स्टार परिवार की थीम मैंने कंपोज करी।